अभी राइस का पानी गर्म हो रहा है जिसमें अभी हम मसाला डालेंगे। 5 लौंग, 5 काली मिर्च, इलायची, थोड़ा सा जीरा, फिर थोड़ा तेज पत्ता, थोड़ा सी घी 1 चम्मच। एक और राइस, अब इसके अंदर हम राइस डालेंगे। ये मिर्ची का पेस्ट है, मिर्ची, ये लहसुन का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है, मोबाइल गिला के दे, ये अदरक का पेस्ट है, अब अदरक का पेस्ट है, ये थोड़ा इतना ही डालते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा मिक्स किया जाएगा। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच है, नहीं लेते मैं ज़्यादा, थोड़ा उधर, हाँ दिया, उसके बाद में थोड़ा सा रेड पाउडर दे देते हैं, थोड़ा नहीं 1 चम्मच, अच्छा उसके बाद में 2 चम्मच जीरा पाउडर है, जो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे लगा हो जाएगा इतना, क्योंकि चावल हम लोग नहीं लगाएं, थोड़ा ज़्यादा ही अनेक अच्छा होता है, थोड़ा और मिक्स कर लेंगे, हम देख हो गया था, घी नहीं डालना, घी डाल अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसको पका लेंगे तो ना उसका स्मेल नहीं आएगा, इसको मैं डाल के थोड़ा पका लूँगी, डालूंगी करके रखा था, ये लाल होगा मैं चिकन को डालूंगी, चिकन को डाल के बनाऊंगी। चिकन में डाल रही हूँ, चिकन को डाल के थोड़ी सी पानी डालूंगी उसमें मैं, थोड़ी पानी डालूंगी मसाला को उसमें करने के लिए। ये देखिए गाइस, इसमें चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और 5 मिनट के बाद में बोला था ना आपको कि मैं खोल के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए अभी भी कितनी अच्छी दिख रही है इसकी ग्रेवी, और इसने ऑयल छोड़ना भी काम कर दिया है, और थोड़ी देर इसको पकाएंगे, उसके बाद में हम लोग इसको गार्निशिंग करेंगे चावल के साथ में, बिरयानी का गार्निशिंग करेंगे, इसको दम पर डालेंगे, मेरे कुकर में डाल रही है, मैं गार्निशिंग करूँगी इसको, पहले इसको लेयर में डालूंगी चिकन को, इसी तरीके से लेयरिंग कर लूँगी, उसके बाद चावल डालूँगी, और एक लिया डालूंगी, थोड़ा चिकन डालूंगी, उसके बाद इसमें दम पर डालूंगी, देखिए गाइस मैंने दम से ये बिरयानी को उतार लिया है, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ये मैंने डाला था कोयला के ऊपर घी डाला था ताकि स्मोक अच्छा आए, इस वजह से अच्छा आए स्मेल होगा, अब इसको मैं मिलाऊंगी, तो बिरयानी पूरी तरीके से भी बन चुकी है, बिरयानी बन गई है, अब इसको मिक्स करने का टाइम है, अब इसको मिक्स करूंगी, उसके बाद में पैकिंग करूंगी, हम सब खाएंगे उसके बाद में बताएंगे, और आप लोग बताइए हमारा रेसिपी कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाल बटन दबाने ना भूलिएगा, ठीक है भाई, मिलते हैं अगले चैनल।